पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली में 6725 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में यहां कोरोना वायरस के 6725 नए मामले सामने आए, तो वहीं 48 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। इसके अलावा दिल्ली में 3610 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 59,540 टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है और दिल्ली में अब कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 4,03,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल दिल्ली में एक्टिव कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी 35,000 से ज्यादा है, जबकि 36,375 एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज हैं। ये दिल्ली में एक्टिव मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है और दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कारण 6,652 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना की डेथ रेट 1.65% है और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 11.29% हो चुकी है।